नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप शुक्ला वापस आप लोगों के बीच में। दोस्तों इस समय मैं प्रयागराज के शहर पश्चिमी कनईपुर घाट पर हूँ। आप देख सकते हैं पीछे मेरे माँ गंगा नदी है और यहाँ पर लोग अपने शव को लेकर के आते हैं अपने रिश्तेदारों के। उसके बाद जब जलाने लगते हैं तो उसके बाद जो उनके रिश्तेदार होते हैं और या जो लोग होते हैं साथ में आते हैं वो यहाँ पर बैठते हैं। पीछे बिल्डिंग देख सकते हैं, इस बिल्डिंग की बहुत बुरी हालत है और यहाँ मुझे कंप्लेन आई, बहुत ही जर्जर हालत है। कभी भी बिल्डिंग गिर सकती है और एक हादसा हो सकता है क्योंकि इसके नीचे लगभग 100 से 150 लोग बैठते हैं और न जाने कब ये बिल्डिंग गिर जाए और लोग दब के मर जाएं। तो बनारस में देख सकते हैं आप इतना बड़ा कांड हुआ और तमाम लोग इसमें कितने लोग मर गए और सरकार भी उसके बाद उस पर कुछ नहीं कर सकती, सिर्फ उस पर मुआवजा दे सकती है, लेकिन वो जो लोग मर जाएंगे उनके घर वालों को आप वापस नहीं ला सकते। तो सरकार की इतनी बड़ी लापरवाही, मुझे लगता है कि इस पर उनको गौर करना चाहिए। इस बिल्डिंग को जल्द से जल्द इसका पूरा नवीनीकरण करना चाहिए। अगर आसपास भी देखें तो पूरा सब टूटा फूटा हुआ है। बिल्डिंग तो पूरी तरह से आज नहीं तो कल गिर जानी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि बरसात झेल नहीं पा रही और इसका जब बनाया गया पिछली बार भी तो पूरा अधूरा है, ना इसको प्लास्टर किया गया ना कुछ किया गया, इसलिए वो पानी पड़ते पड़ते और सड़ गया। पूरा पिलर पूरी तरह से खोखला हो चुका है, अगर हाथ से अगर उसको धक्का दिया जाए तो मतलब गिर सकता है। और अभी भी लोग इसके नीचे बैठे हुए हैं, मैंने तो उनको लोगों को मना भी किया, लेकिन अब लोग जो बाहर से आए उनको नहीं पता रहेगा तो ये हो सकता है हादसा बड़ा रूप ले सकती है। मैं चाहूँगा प्रशासन से और यहाँ के जो सांसद हैं, यहाँ के जो मेयर हैं, उन सभी सबसे चाहूँगा, विधायक से, कि एक बार इस पर गौर फरमाए और जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करते हुए कनईपुर घाट को अच्छे से बनाए, यहाँ जो बैठका है उसको सुविधा देते हुए इसको तगड़े से बनाए। धन्यवाद दोस्तों। ये बिल्डिंग का सामने का नज़ारा है, मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ कैसा है। पूरी बिल्डिंग को देखें और प्रशासन इस पर फैसला करे, कब इसको जितनी जल्दी हो सके बनाएं और पानी की व्यवस्था कराएं। यहाँ पे कई चीज़ों की कमी है, उस पर भी गौर करें।